हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन एज अ फैक्टर। हमें पता है कि एक्स प्लस वन तभी फैक्टर होगा जब पी ऑफ माइनस वन दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें जीरो मिलेगा, दैट इज पी ऑफ माइनस वन शुड बी जीरो, तभी हमें मिलेगा एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, सो पी ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन द होल क्यूब प्लस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन द होल क्यूब क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन द होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन, सो माइनस वन प्लस वन, माइनस इंटू प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। अब देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, सो क्या बचा, जीरो। देयरफॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे एक्स प्लस वन टिक मार्क कर दे रही हूँ। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको उस मेथड में नहीं करना है। सेकंड, हमें पता है कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एंड पी ऑफ एक्स दिया है एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेम सब्स्टिट्यूट कर दो, p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू फोर प्लस माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस हमें क्या करना है, माइनस वन को x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, सो माइनस वन रेज टू फोर प्लस माइनस वन रेज टू थ्री प्लस माइनस वन रेज टू टू प्लस माइनस वन प्लस वन, करेक्ट। सो क्या होगा, माइनस वन रेज टू फोर क्या होता है, प्लस वन, क्योंकि अगर आप माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस चार टाइम्स माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस साइन मिलेगा, प्लस। अब माइनस वन क्यूब क्या होता है, माइनस वन, माइनस इंटू प्लस इज वॉट माइनस, सो वन माइनस वन, माइनस वन द होल स्क्वायर इज वॉट प्लस वन, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस वन एंड प्लस वन एज इट इज। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, सो आपके पास क्या बचा, वन। अब वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नेक्स्ट, सेम मेथड, पी ऑफ एक्स इज वॉट, एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, करेक्ट। सो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल, देखो ये सारे सब क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चन के, कि डिटरमाइन वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसीलिए मैं बार बार नहीं लिख रही एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मैं डायरेक्टली पी ऑफ माइनस वन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो माइनस वन रेज टू फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन रेज टू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, करेक्ट। सो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू फोर इज वॉट, प्लस वन, माइनस वन रेज टू थ्री इज वॉट, माइनस वन, माइनस वन इंटू प्लस थ्री इज वॉट, माइनस थ्री, माइनस वन स्क्वायर इज वॉट वन, प्लस थ्री, माइनस वन प्लस वन। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस वन माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री, अगेन क्या बचा, वन, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नेक्स्ट,
p of minus 1 should be equal to 0. So, p of x is equal to x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2. So, p of minus 1 is equal to minus 1 the whole cube minus minus 1 the whole square minus of 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. Correct? P of minus 1 is equal to minus 1 the whole cube is minus 1. Minus 1 the whole square is plus 1. But plus into minus is minus 1. Minus into minus is what? Plus. 2 into 1 is 2. Minus into minus plus. अब देखो यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये है माइनस साइन. हाँ, माइनस वन इंटू प्लस टू इज वॉट माइनस टू एंड माइनस इंटू माइनस इज वॉट प्लस टू. करेक्ट. सिमिलरली माइनस वन इंटू प्लस रूट टू इज वॉट माइनस रूट टू. माइनस रूट टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस प्लस रूट टू प्लस रूट टू. करेक्ट. सो अब देखो आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है. माइनस वन इंटू माइनस वन इज ऑट माइनस टू एंड प्लस टू. सो ये कैंसिल हो गया बट रूट टू प्लस रूट टू बचा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. करेक्ट. यूज द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें क्या देखना है कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है. तो इसके लिए हमें क्या पता है कि फैक्टर तभी होगा जब जो जी ऑफ एक्स है वो जीरो होगा, तभी जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, हमने देखा है. सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. करेक्ट. सो p of minus 1 is equal to 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1 which is equal to minus 1 the whole cube is minus 1 into 2 minus 2 minus 1 the whole square is plus 1 plus 2 minus 1 minus into minus is plus. अब देखो सब कट गया. माइनस टू प्लस टू प्लस वन माइनस वन. सो पी ऑफ माइनस वन इज वॉट जीरो. देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. आपको टिक मार्क नहीं करना, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. नेक्स्ट. सेम जी ऑफ एक्स तभी फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का जब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. So, g of x is equal to 0, which implies x plus 2 is equal to 0, which implies x is equal to minus 2. Correct? So, p of minus 2 is equal to minus 2 the whole cube plus 3 into minus 2 the whole square plus 3 into minus 2 plus 1. P of minus 2 is equal to minus 2 the whole cube क्या होगा? 2 2 is a 4, 4 2 is a 8, minus 8. 2 square is what? 4 and minus into minus is plus. So 4 into 3, 12. Minus 6 plus 1. So P of minus 2 क्या होगा? देखो 12 minus 8 क्या होता है? Plus 4. Plus 4 minus 6 is what? Minus 2. माइनस टू प्लस वन इज वॉट माइनस वन एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. थर्ड, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू थ्री. सो सेम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x cube minus 4x square plus x plus 6. So p of 3 is equal to 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. Correct. So p of 3 is equal to what?
3 क्यूब क्या होगा, 3 3 इज 9, 9 3 इज 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 9, 9 4 इज 36 प्लस 6 प्लस 3 इज व्हाट 9. अब 27 प्लस 9 इज 36, 36 माइनस 36 इज व्हाट 0, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. Find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि x minus 1 is a factor of p of x. So, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x minus 1 is equal to 0. Correct? That is, यहाँ पे p of 1 should be equal to 0. p of 1 कैसे आया? x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. करेक्ट. सो अभी जब बोला है कि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0. देयरफॉर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0. हमने 1 की वैल्यू p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दी. सो 1 स्क्वायर इज व्हाट 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू माइनस 2. सो योर वैल्यू ऑफ k इज माइनस 2. सेम, हमें क्या ढूंढना है? x माइनस 1 इज अ फैक्टर. सो सेम, p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0. सब 1 की वैल्यू p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0. That is 2 plus k plus root 2 is equal to 0. So k is equal to minus 2 minus root 2. K को यहाँ रख के 2 and minus 2 को equation के दूसरे side पे ले जाओ. So, आप ऐसे भी लिख सकते हो k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 2. 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब k को यहीं पे रख के 2 एंड माइनस 2 को इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाओ. सो साइन चेंज हो जाता है, k इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2. अब आप माइनस कॉमन ले लो एंड ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 लिख दो. ये हो गया आपका k का वैल्यू. आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट, सेम, p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0. सो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. k माइनस रूट 2 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू व्हाट, रूट 2 माइनस 1. साइन चेंज हो गया, माइनस रूट टू इक्वेशन के सेकेंड साइड पे प्लस रूट टू हो जाएगा एंड प्लस वन माइनस वन हो जाएगा. सेम, पी ऑफ वन इज इक्वल टू 0, के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के. देखो अब इसमें सेम, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो के ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 1 प्लस के इज इक्वल टू 0. अब पहले और इस सब में क्या डिफरेंस था? यहाँ पे 2 के है एंड वहां पे खाली सिंगल के था. कोई बात नहीं. सो के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0. 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0. के प्लस के इज 2 के. 2 के इज इक्वल टू 3. k इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. वैल्यू ऑफ k इज 3 अपॉन 2. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 देखा. प्रैक्टिस करो एंड आपको ग्रेजुअली अच्छे से आ जाएगा. खुद सॉल्व करके फिर आंसर कंपेयर करना. थैंक यू.